वेलकम बैक टू मूवी स्टोरीज फॉर यू। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2008 में आई एक साईफाई ड्रामा मूवी जिसका नाम है द डे ऑफ द ट्रिफिड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लांट्स को छूने से पहले भी कम से कम 100 बार सोचेंगे। इस मूवी में दिखाया गया है कि भविष्य में इंसानों के द्वारा बनाई गई एक पौधों की प्रजाति कैसे इंसानों को ही अपना शिकार बनाने लगती है। तो मूवी के प्लॉट को ज्यादा रिवील ना करते हुए शुरू करते हैं रोमांच और एक्शन से भरी इस साईफाई मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर बिल को उनकी कंपनी में देखते हैं जो कि यहाँ ट्रिफिड नामक पौधों की प्रजाति पर रिसर्च करने का काम करते हैं। हम समझ पाते हैं कि फ्यूचर में सभी तरह के ईंधन के रिसोर्सेस लगभग खत्म हो चुके हैं और इस तरह के पौधों से ही डॉक्टर बिल की कंपनी एक खास तरह के तेल बनाने का काम करती है जो कि ईंधन की तरह काम में लिया जा सकता है। 30 सालों तक विकसित होने के बाद अब ट्रिफिड्स इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि अब यही पौधे इंसानों के लिए ईंधन बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ये पौधे धरती को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाए हुए हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान ये बात नहीं जानते हैं कि अब ये पौधे इंसानों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। समय के साथ साथ विकसित होने पर अब ये पौधे इंसानों के लिए ही खतरा बन चुके हैं। हम देखते हैं कि कुछ साल पहले डॉक्टर बिल की माँ भी एक इसी तरह के ट्रिफिड अटैक में मारी गई थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि ट्रिफिड्स इंसानों को पलक झपकते ही अंधा भी बना सकते हैं और डॉक्टर बिल भी ये बात अच्छे से जानते हैं। इसलिए उन पौधों के पास जाने से पहले बिल और उसकी टीम हमेशा चश्मे लगा कर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब बिल को किसी पौधे में ज्यादा हलचल दिखाई देती है तब बिल उसे देखने के लिए जाता है और इसी दौरान पीछे से एक आदमी बिल के लैब में घुस जाता है। हमें समझ आता है कि ये आदमी ट्रिफिड उगाने वाली कंपनीज का विरोधी है। हालांकि इस तरह की कंपनीज सरकारी मंजूरी से ही चलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इन कंपनीज के विरोध में हैं। हम देखते हैं कि वो आदमी चोरी से उस एरिया में घुस जाता है जहां सभी मेल ट्रिफिड्स को रखा गया है। तभी अलार्म बजने की वजह से स्टाफ को इस बारे में पता लगता है जिसके बाद बिल और उसकी असिस्टेंट लूसी भागकर उस एरिया में पहुंचते हैं। जब ये दोनों उस आदमी को वहां से बाहर निकलने के लिए कहने लगते हैं तो इसी दौरान ट्रिफिड की एक टहनी बिल की आंखों पर हमला करती है। इसके बाद बैकअप टीम वहां पहुंचकर तुरंत बिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। हालांकि ट्रिफिड की टहनी बिल के आंखों पर हमला करने से चूक जाती है लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आंखों के पास लगे कट के कारण बिल की आंखें लाल पड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद डॉक्टर बिल के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। डॉक्टर से बताता है कि 24 घंटे के बाद तुम्हारी आंखों से ये पट्टी निकाल दी जाएगी। इसी दौरान हम सारी दुनिया को मीटियोर शावर होने का इंतजार करते हुए देखते हैं। न्यूज के हिसाब से आज शाम को ही मीटियोर शावर होने वाला था। एक रेडियो शो पर जोई नाम की रिपोर्टर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का इंटरव्यू लेती है। वो आदमी बताता है कि कुछ ही घंटों में सूरज की परत पर जहरीली गैसेस का विस्फोट होने वाला है जो कि आसमान में फूटते हुए पटाखों के जैसा लगेगा। वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट दुनिया को बताता है कि तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। कुछ घंटों बाद ही आसमान में अंधेरा छाने लगता है और हम सभी न्यूज चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट चलते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया के सारे लोग बाहर निकलकर होने वाले मीटियोर शावर का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही हम एक प्लेन का सीन देखते हैं और उस प्लेन में बैठे लोग भी खिड़कियों के जरिए बाहर का नजारा देखने के लिए बेताब हो रहे थे। लेकिन इसी फ्लाइट में टॉरेंस नाम का आदमी आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था। उसे बाहर का दृश्य देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी अचानक से एक चमकदार रोशनी धरती पर पड़ती है जिसके कारण दुनिया भर में चल रहे सभी टीवी चैनल्स धुंधले पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि उस चमकदार लाइट की वजह से वो सभी लोग आंखों से अंधे हो जाते हैं जो लोग कुछ देर पहले ही बड़ी ही बेताबी से आसमान की तरफ देख रहे थे। इस घटना के कुछ देर बाद ही जब बिल नींद से जागता है तो उसे अपने आसपास लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उस तेज रोशनी के कारण हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग अंधे हो चुके थे। आसपास लोगों की चीखें सुनने के बाद बिल घबराकर अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल देता है। हम समझ पाते हैं कि बिल की आंखें अभी भी सही सलामत थी। दूसरी तरफ हम फिर से प्लेन का सीन देखते हैं। नींद से जागने के बाद टॉरेंस को रियलाइज होता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। उसे समझ आता है कि शायद पायलट्स भी अपनी आंखें खो चुके हैं जिस वजह से जल्दी ये प्लेन क्रैश होने वाला है। इस बात का अंदाजा होते ही वो तुरंत बाथरूम में जाकर अपने आसपास सेफ्टी जैकेट्स फुलाकर रख लेता है जिसके बाद प्लेन क्रैश होने के बावजूद भी टॉरेंस की जान बच जाती है और वहीं प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। आगे हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां बिल को समझ आता है कि जल्दी शहर में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो सकता है
जिसके बाद बिल घबराते हुए अपनी लैब की तरफ निकलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके संभाले हुए ट्रिफिड्स उसकी लैब से बाहर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ट्रिफिड्स की तादाद बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके बाद हम रिपोर्टर जोई को किसी टूटी हुई बिल्डिंग में होश में आते हुए देखते हैं। अंदर होने के कारण उसकी भी आंखों की रोशनी बच गई थी। सड़क पर निकलने के बाद उसे समझ आता है कि मीटियर शावर के दौरान हुए विस्फोट के कारण लगभग सभी लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। ऐसे ही जब एक अंधा पुलिस वाला जोई को गन पॉइंट पर लेकर उससे मदद लेने की कोशिश करता है, तभी बिल भी वहां पहुंच जाता है, जो कि भाग कर अपनी लैब की तरफ जा रहा था। बिल बड़ी ही चालाकी से जोई को उस कांस्टेबल से आजाद करवा देता है। इसके बाद जोई बिल से कहती है कि हमें व्हाइट हाउस जाकर शहर की सिचुएशन के बारे में पता लगाना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। आगे हम लैब का सीन देखते हैं, जहां लैब में मौजूद सभी लोग भी अंधे हो चुके थे, लेकिन किसी तरह से लैब में घुसने वाला वो आदमी उस हादसे से बच जाता है। मौका पाते ही वो आदमी लैब के सभी दरवाजे खोलकर सभी ट्रिफिड्स को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ वो दोनों व्हाइट हाउस के पास पहुंचने पर उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो कि व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद अंधे गार्ड्स को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वहां गोलीबारी होने लगती है। और ये सब देखकर बिल और जोई वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद ये दोनों बिल के लैब में पहुंचते हैं, और तबाह हुए लैब को देखकर बिल को पता लगता है कि सभी पौधे यहां से निकलकर कहीं दूर जा चुके हैं। यहीं पर उन दोनों को कुछ वर्कर्स की लाशें भी दिखाई देती है, जो शायद ट्रिफिड्स के हमले के कारण मारे गए थे। ये सब देखने के बाद बिल तुरंत लैब में पहुंचकर वहां पड़े एक रिकॉर्डर को उठा लेता है, जिसे देखकर जोई को समझ आता है कि ट्रिफिड्स सालों से अपनी आवाज में एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे थे, और बिल भी पिछले कुछ सालों से उसी आवाज पर रिसर्च कर रहा था। इसके बाद जोई को अपने पिता की याद आती है, और वो बिल के साथ अपने पिता के घर पर पहुंचती है। वहां पहुंचकर उन्हें जोई के पिता की लाश दिखाई देती है, जो कि किसी ट्रिफिड्स के द्वारा जंगल की तरफ घसीटा जा रहा था। हालांकि जोई अपने पिता की लाश के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल उसे रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी ट्रिफिड्स के हमले के कारण वो भी मारी जाए। फिर ये दोनों एक रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं, और एक पॉडकास्ट के जरिए बिल और जोई दुनिया में मौजूद लोगों को जानलेवा ट्रिफिड्स के बारे में अवेयर करते हैं। आगे हम टॉरेंस को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुसते हुए देखते हैं, जहां उसे काम करने वाली सेक्रेटरी के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। मीटियर शावर के दौरान वो भी अपने आंखों की रोशनी खो चुकी थी। यहां पहुंचकर टॉरेंस को समझ आता है कि अब इस देश में सरकार नहीं बची, और शायद प्राइम मिनिस्टर भी अब तक किसी हादसे में मारे जा चुके हैं। इस बात का अंदाजा होने के बाद टॉरेंस वहां पड़े कुछ हथियारों को एक गाड़ी में इकट्ठा करता है। वो सोचने लगता है कि अब वो इस दुनिया पर राज करेगा। अगले सुबह ही बिल को शहर के दूसरे तरफ कुछ फ्लेयर गन्स चलती हुई दिखाई देती है। उसे लगने लगता है कि वहां अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि देख सकते हैं, इसीलिए वो जोई के साथ तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर ये दोनों देखते हैं कि कोई आदमी अंधे लोगों को लेकर एक सरकारी बिल्डिंग में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद ऑफिसर्स उन अंधे लोगों को बिल्डिंग के अंदर आने से रोक रहे थे। इसके बाद जोई और बिल भी चीफ की मंजूरी लेकर बिल्डिंग के अंदर चले आते हैं। अंदर जाने पर होम ऑफिस की एम्प्लॉई मिशेल बेडली उन्हें बताती है कि हम लोग किसी तरह से यहां सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर अंधे लोग अंदर आ गए तो यहां की सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी दौरान बिल मिशेल को जानलेवा ट्रिफिड्स के बारे में भी बताता है। अब तक ज्यादातर आम लोग ये नहीं जानते थे कि ट्रिफिड्स इंसानों की ही तरह चल सकते हैं, और वो जानलेवा पौधे खाने के तौर पर इंसानों को ही अपना शिकार बना सकते हैं। बिल की बातें सुनने के बाद मिशेल बिल से पूछने लगती है, आखिर इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। सीन यही कट होता है, और आगे हमें कुछ ट्रिफिड्स को लंदन की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। अब तक टॉरेंस भी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका था, और वहां पहुंचकर जब वो देखता है कि कॉकर नाम का कोई आदमी अंधे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, तब टॉरेंस उसका साथ देने की बात करने लगता है। वो कहता है कि हम लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर बिल्डिंग में मौजूद लोगों को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जिसके बाद हम अंधे लोगों की मदद कर पाएंगे। और टॉरेंस का प्लान सुनने के बाद कॉकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पीछे के रास्ते से बिल्डिंग में घुस जाता है। इसी दौरान हम बिल को एक कार में पानी की कुछ बोतलें रखते हुए देखते हैं, और उसकी बातों से जोई को समझ आता है कि वो अंधे लोगों को मुसीबत में छोड़कर अपने पिता के पास जाना चाहता है। वो जोई को भी अपने साथ चलने को कहता है। हालांकि बिल उसे बताता है कि मेरे पिता पिछले काफी सालों से ट्रिफिड्स पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी मदद से हम लोग ट्रिफिड्स की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जोई उसके साथ चलने के लिए मना करके वापस से ऊपर की तरफ जाने लगती है, और तभी कॉकर और उसकी टीम बिल्डिंग पर हमला करके वहां मौजूद लोगों को बंदी बना लेते हैं,
यहाँ बिल जोई को बचाने की कोशिश में घायल होकर बेहोश हो जाता है और आंखें खुलने पर उसे पता लगता है कि टॉरेंस के कहने पर सभी अंधे लोगों को किसी न किसी देखने वाले इंसान के साथ बांध दिया गया था ताकि देखने वाले लोग किसी न किसी अंधे इंसान को जिंदा रखने में उसकी मदद कर पाए। आगे टॉरेंस के कहने पर ही इन सभी लोगों को ट्रक में भरकर एक वेयरहाउस में छोड़ दिया जाता है ताकि वहां से वो लोग अपने लिए कुछ खाने का सामान इकट्ठा कर सके। लेकिन तभी वेयरहाउस में मौजूद कुछ ट्रिफिट्स उन लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं। यहाँ बिल किसी तरह से जोई को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन उन दोनों के साथ बंधे हुए वो अंधे लोग मारे जाते हैं। ये हमला होने के बाद कॉकर टॉरेंस से कहने लगता है कि ट्रिफिट से लड़ने में हमें बिल की मदद लेनी चाहिए, लेकिन टॉरेंस के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वहां से निकलने के बाद टॉरेंस जोई से कहता है कि सभी जिंदा लोगों को तुम लंदन आने का मैसेज दो ताकि हम लोग उनकी हेल्प कर सके, लेकिन असलियत में वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना चाहता था ताकि वो अब इस दुनिया पर राज कर सके। और ठीक जैसा उसने कहा था जोई बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ देर बाद ही टॉरेंस बिल और कॉकर को किडनैप करके एक ट्रक में बांध देता है जिसके बाद टॉरेंस के आदमी उन्हें एक जंगल में मारने के लिए ले जाते हैं। जब वो लोग उन दोनों को ट्रक से नीचे उतारने लगते हैं तभी कुछ ट्रिफिट्स उन लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं। ट्रिफिट्स टॉरेंस के भेजे गए सभी आदमियों को मार डालते हैं और इस हमले में बिल और कॉकर जिंदा बचते हैं। अगली सुबह वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं और वहां काम करने वाली औरतें इनके शरीर पर लगी चोटों का इलाज करती है। वहां मौजूद एक लेडी उन्हें बताती है कि ये चर्च ट्रिफिट्स के हमले से बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक होने के बाद बिल अपने पिता के घर पर जाने का फैसला लेता है, इसलिए वो कॉकर को भी छोड़कर चर्च से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त ही उसे कुछ लाशें दिखाई देती है जिसमें से एक लाश उस चर्च के पादरी की भी थी। ये सब देखकर बिल को समझ आता है कि चर्च को सेफ रखने के लिए वहाँ की हेड बूढ़े और बीमार लोगों को ट्रिफिट्स के हवाले कर देती है, जिसके बाद बिल फिर से चर्च में लौटता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने उसका पर्दाफाश कर देता है और उसकी सच्चाई का पता लगने के बाद वहाँ की हेड को चर्च से निकाल दिया जाता है। यहाँ कॉकर उस चर्च में मौजूद लोगों के बारे में सोचकर वहीं रुकने का फैसला करता है और बिल बिना टाइम वेस्ट किए अपने पिता के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जोई को बिल का टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे देखकर उसे समझ आता है कि जरूर टॉरेंस ने खुद लीडर बनने के लिए बिल और कॉकर के साथ कुछ बुरा किया है, जिसके बाद जोई रेडियो पर अनाउंस करती है कि लंदन अब पहले जितना सेफ नहीं रहा, इसीलिए तुम लोग जहाँ कहीं भी हो वहीं सुरक्षित रहने की कोशिश करो। जैसे ही लाइव पॉडकास्ट की खबर टॉरेंस तक पहुँचती है तो वो तुरंत अपने आदमियों को जोई को मारने के लिए भेजता है, लेकिन अब तक जोई उस बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी थी। यहाँ टॉरेंस का ही एक आदमी ट्रॉय जोई को भागने में मदद करता है। वहाँ से कुछ दूर जाने पर ही काफी सारे ट्रिफिट्स जोई पर हमला करना शुरू करते हैं और उनसे बचते हुए जोई सड़क पर खड़ी एक कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। हम समझ पाते हैं कि बिल से मिलने की उम्मीद में वो उसके पिता के घर पर जाने लगती है। दूसरी तरफ बिल भी पैदल चलने के कारण अब तक काफी ज्यादा थक चुका था। रास्ते में उसकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है जो कि उसको अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ देख उस पर गोली चलाने लगती है। इसके बाद बिल उन्हें समझाता है कि मुझे सिर्फ एक कार चाहिए, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उनकी बातों से बिल को समझ आता है कि ये दोनों किसी हादसे में पहले ही अपने पेरेंट्स को खो चुकी है। बिल पर भरोसा होने के बाद इमोगेन उसे अपनी कार की कीज दे देती है। इसके बाद बिल के पूछने पर ही वो दोनों भी इसके साथ चलने के लिए मान जाती है। कुछ घंटे तक ट्रैवल करने के बाद इत्तेफाक से बिल के सामने उसके पिता की गाड़ी आकर रुकती है। अपने पिता को जिंदा देखकर बिल को बहुत खुशी होती है। इसके बाद ये सभी उनके घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर बिल को पता लगता है कि ट्रिफिट से बचने के लिए उसके पिता ने अपने घर को इलेक्ट्रिक वायर से घिरा हुआ है। अंदर जाने पर बिल ये देखकर हैरान होता है कि जोई वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। दरअसल पिछली रात को ही वो वहाँ पहुँच चुकी थी। कुछ देर के लिए ये दोनों बाहर की मुसीबत भूलकर साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं लंदन में टॉरेंस को अब कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। ट्रिफिट्स की बढ़ती हुई तादाद को देखकर टॉरेंस बिल के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि अब सिर्फ वही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। आगे बिल को अपने पिता की बातों से समझ आता है कि उन्होंने ट्रिफिट्स की तादाद को कम करने का रास्ता निकाल लिया है। बिल के पिता ने एक फीमेल ट्रिफिट में ऐसी बीमारी डाली है जिससे वो हर एक मेल ट्रिफिट्स अपनी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता खो देगा जो भी इस फीमेल ट्रिफिट के कॉन्टेक्ट में आएगा। इस तरह से जैसे जैसे ये बीमारी ट्रिफिट्स में फैलेगी वैसे वैसे उनकी तादाद भी कम होती जाएगी। लेकिन अभी तक उनका ये प्रयोग साबित नहीं हुआ था। इस प्रयोग को पूरा करने के लिए उन्हें एक मेल ट्रिफिट की जरूरत थी और ये बात सुनकर बिल किसी मेल ट्रिफिट को लाने के लिए निकल जाता है।
हम देखते हैं कि बिल जब एक वेयरहाउस में पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि सूजन भी गाड़ी में छुपकर उसके साथ यहाँ आ गई थी। दरअसल वो बिल की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे यहाँ देखकर बिल को काफी गुस्सा आता है और तभी एक बहुत बड़ा ट्रिफिट इन पर हमला करता है जो कि सूजन को जकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। यहाँ बिल सूजन को बचाने के लिए बिना डरे उस पर हमला करना शुरू करता है और अपने हाथ में पकड़ी मशाल की मदद से ही वो ट्रिफिट को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद बिल उस ट्रिफिट को उठाकर अपने पिता के घर पर लाता है। अब तक बिल की रिपोर्ट्स को देखकर टॉरेंस को भी उसके पिता के एड्रेस का पता लग जाता है। अगले दिन जब बिल के पिता उसके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई ट्रिफिट्स की आवाजों को सुन रहे थे, तभी एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए ट्रिफिट अचानक से हरकत में आ जाते हैं और उनके पास जाते ही वो ट्रिफिट्स बिल के पिता पर अटैक करते हैं। उनकी चीखें सुनकर बिल तुरंत उन्हें बचाने के लिए उस रूम में पहुंच जाता है और अपने पिता को बचाते वक्त बिल उन ट्रिफिट्स को भी खत्म कर देता है। लेकिन तब तक वो ट्रिफिट्स बिल के पिता का हाथ बुरी तरह से जख्मी कर चुके थे। उनका जहर पूरी बॉडी में फैल चुका था जिस वजह से कुछ ही देर में बिल के पिता मारे जाते हैं। जैसे कि अब एक्सपेरिमेंट के लिए रखे हुए ट्रिफिट्स खत्म हो चुके थे तो अब उनके पास ट्रिफिट्स से लड़ने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। अपने पिता की बॉडी को जलाने के बाद वो लोग किसी सेफ जगह पर जाने का फैसला करते हैं। पैकिंग करने के दौरान बिल को वहाँ पड़ा एक मास्क दिखाई देता है जिसे देखकर बिल को उस दिन की कुछ धुंधली यादें दिखाई देती है जिस दिन उसकी माँ की डेथ हुई थी। उसे याद आता है कि कबीले के किसी आदमी ने तब उसकी जान बचाई थी। अगली सुबह जब ये लोग वहाँ से निकलने का सोचते हैं तभी टॉरेंस और उसके आदमी उस घर में घुसकर इन सबको बंदी बना लेते हैं। टॉरेंस बिल से पूछता है कि आखिर हम उन ट्रिफिट्स को कैसे रोक सकते हैं, तो बिल कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि उन ट्रिफिट्स को कैसे रोकना है। इस बात का पता लगने के बाद टॉरेंस बिल से कहता है कि अगर तुमने कल सुबह तक ट्रिफिट से लड़ने का कोई रास्ता नहीं खोजा तो मैं जोई के साथ साथ इन छोटी लड़कियों को भी मार डालूंगा। ये कहते हुए टॉरेंस उन सबको एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद बिल अपने पास मौजूद टेप रिकॉर्डर की मदद से वहां से निकलने का प्लान बनाता है। वो जोई को बताता है कि इस टेप की मदद से हम ट्रिफिट्स को यहां बुलाकर टॉरेंस और उसके आदमियों का ध्यान भटका सकते हैं ताकि हमें यहां से निकलने का मौका मिल सके। उसी रात बिल सूजन की मदद से वो टेप रिकॉर्डर ऑन करके अपने घर के बाहर फेंक देता है जिस वजह से कुछ देर बाद ही काफी सारे ट्रिफिट्स घर के आगे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद टॉरेंस अपने साथियों के साथ उन ट्रिफिट्स को रोकने की कोशिश करने लगता है और वो अपने खास आदमी ट्रॉय को बिल और उसके साथियों को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे कि ट्रॉय ने पहले भी जोई की भागने में मदद की थी और अब की बार भी वो उन छोटी लड़कियों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए ट्रॉय उनकी मदद करने का फैसला करता है। वही ट्रिफिट्स अब तक टॉरेंस के लगभग सभी आदमियों को मार चुके थे। घर से निकलने से पहले जब जोई और बाकी सब अपनी अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हैं तब बिल भी वहीं पड़े मास्क से अपने फेस को कवर करने की सोचता है और तभी उसे याद आता है कि कबीले के एक आदमी ने इसी मास्क की मदद से उस दिन उसकी जान बचाई थी। उस मास्क को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे ट्रिफिट्स का जहर किसी भी इंसान के इर्द गिर्द लग जाता है। इतना याद आते ही बिल वहीं पड़ी एक ट्रिफिट की टहनी तोड़कर सबकी आंखों के ऊपर उससे निकलने वाला जहर लगा देता है और इसी तरह से वो अपनी आंखों पर भी ट्रिफिट का जहर डाल देता है। इसके बाद ये सभी दबे पैर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिल उन ट्रिफिट्स की तरफ देखता है जिसे देखकर बाकी सबको विश्वास होता है कि आंखों पर लगे जहर की वजह से वो ट्रिफिट्स उन पर हमला नहीं कर रहे। इसके बाद बाकी सभी भी बिल को फॉलो करते हुए ट्रिफिट्स के बीच में जाने लगते हैं और तभी टॉरेंस पीछे से उन लोगों पर गोली चलाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उन लोगों को मारने के लिए जब टॉरेंस ट्रिफिट्स के पास जाता है तो ट्रिफिट्स उस पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते ट्रिफिट्स उसे मार डालते हैं। मूवी के एंड में हम बिल के साथ साथ बाकी सभी को एक बोट में जाते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइस, आप मुझे इस चैनल पर मूवीज को एक्सप्लेन करते हुए सुनते हैं लेकिन सिनेबडी के नाम से मेरा खुद का भी एक चैनल है जहां मैं टॉप 5 काउंटडाउन के जरिए आपको बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं और उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप भी अपना कीमती वक्त सिर्फ और सिर्फ बेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज को देना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल सिनेबडी को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि वहां आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप इस मूवी एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
इसी तरह की यूनिक और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल मूवी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल